बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जैसे कारून का खजाना ढूंढने के लिए ताकतवर कुव्वतें मिस्र पहुंचती हैं और मिस्र के अंदर आज भी उसको सब्जेक्ट बना दिया और ये ताकतवर कुव्वतें जाके वहां मिस्र के अंदर कारून का खजाना ढूंढ रही हैं। कारून का खजाना हमें मिल जाए, इनको तो यह है ना कि माल नजर आए कहीं, कारून का खजाना मिल जाए। और आप तो जानते हैं मुझसे यूनिवर्सिटियों में पूरा सब्जेक्ट है इस पर, खजाने मिनरल तलाश करने का, खजाने तलाश करने का। तो कारून के खजाने पर टीमें लगी हुई हैं लेकिन आज तक कारून का खजाना मिला नहीं। कहते 19-20 हो गया, बस मिलने वाला था, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं, अल्लाह तबारक वतआला खजाने को धंसा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक के लिए वो इसी तरह धंसता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी, बस वो ज़मीन में धंस रहा, धंसता जा रहा है। उसे बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी थी, मैं माफ़ कर दिया, माफ़ कर दीजिए, तो माफ़ नहीं किया, धंसता जा रहा है। पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, इस तरह पूरा का पूरा धंसता चला गया। 70 मरतबा उसने दरख्वास्त की है मूसा अलैहिस्सलाम से, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर ये तोहमत लगवाई, इस औरत को माल पैसा दे के आप पर तोहमत लगवा के आपको बदनाम करने की कोशिश की, मैं अपनी गलती का खमियाजा भुगत रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगी, नहीं माफ़ किया। अरे जिब्रील अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास है, मूसा तेरा रब कहता है ये कारून 70 दफ़ा तुझे कहता रहा मुझे माफ़ कर दे माफ़ कर दे, एक मरतबा मुझे कहता मैं माफ़ कर देता। तकबीर, नारा लगा करो, कुछ होश से बैठा करो यार, बातें दिलों में उतर, कुछ बात तो नबी की बात कुरान। तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत मोहम्मद रसूल, नारे रिसालत मोहम्मद रसूल, ताजदार खत्म नबूवत। मेरा तो कलेजा फट जाता है, फूट फूट के रोने को दिल करता है, लेकिन आपसे बात करनी है, तड़प जाने को दिल करता है, चाह की गिरबान इंसान कर दे। खैर आपकी कैफियत भी मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन थोड़ा वलवला जोश भी इंसानियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि है मूसा, तुझे 70 मरतबा माफ़ी मांगता रहा, मूसा माफ़ कर, अगर एक मरतबा मुझे कहता है रब्बे करीम मुझे माफ़ कर दे, तो मूसा ने तो माफ़ नहीं किया, रब्बे मूसा माफ़ कर देता। देखो रब की रहीमी का आलम देखो क्या है। उसके बाद से क्या कहा, अरे जिब्राइल के जरिए अल्लाह ने पैगाम मूसा को दिया, मूसा अब इसके बाद तेरे इस रवैये को देखकर इसके बाद मैंने किसी के हाथ में अपनी ज़मीन का इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि ज़मीन का इख्तियार दे दिया था कि मूसा ज़मीन तेरे इख्तियार में है, जो हुक्म करेगा ये ज़मीन तेरी ताबेदारी करेगी। तो आपने ज़मीन को हुक्म दे दिया था कि इस कारून को अपने अंदर हड़प कर ले, धसा ले, तो ज़मीन धसाती चली जा रही, धसाती चली जा रही। और मैं कि मूसा तूने उसकी लजाजत फरियाद सुनी, तूने उसको माफ़ नहीं किया, बस आज के बाद अब मैं ज़मीन का इख्तियार किसी को नहीं दूंगा, अब ये ज़मीन के इख्तियार मैं अपने पास रखूँगा, तुझे मैंने इख्तियार दिया, तूने थोड़ी सी रहमत और राफत ना दिखाई, 70 मरतबा पुकारा किसी एक वक्त में सुन के माफ़ कर देता, हो सकता उस बेचारे आखिरत में जहन्नम से बच जाता।